सीक्रेट वॉर्स के अनाउंसमेंट के बाद फैंस के मन में एक क्वेश्चन है कि सीक्रेट वॉर्स तक हमें कितने कॉमिक्स की फेमस कैरेक्टर्स को देखने को मिलेगा। तो हेलो गाइस, असलन एक्स की एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस नए वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीक्रेट वॉर्स तक एमसीयू में कितने पावरफुल कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वेल गाइस, मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, मगर उनमें से 10 कैरेक्टर का नाम और उनके अपीयरेंस को लेकर बात कर सकता हूं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। एंड वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करके प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो नंबर 10 पर आता है द लीडर। 14 फरवरी 2025 को आने वाली कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में हमें एकदम नया कैरेक्टर देखने को मिलेगा द लीडर, जो फिजिकली उतना पावरफुल तो नहीं है, मगर अपने दिमाग से अच्छे अच्छे सुपर हीरोज का बैंड बजा सकता है। तो लीडर बेसिकली एक साइंटिस्ट होता है जो बैनर से हल्क को अलग करने के वक्त एबोमिनेशन की अटैक करने के वजह से एक्सीडेंटली हल्क की ब्लड उसके सर में चला जाता है और उसे कुछ गामा पावर्स मिलता है, जिससे उसका शरीर हल्क जैसा तो नहीं हुआ, मगर उसका दिमाग पहले से ज्यादा एनहांस हो गया, जिसके बाद वो बहुत सारा बुरा काम करता है, जिससे वो एवेंजर्स की बैड लिस्ट में आ जाता है। और अगर आप लोगों को पता नहीं तो बता दूं, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में प्रेसिडेंट रॉस को रेड हल्क बनने में द लीडर ही मदद करेगा। नंबर 9 पे आता है एरिस। अब जबकि लव एंड थंडर में ग्रीक गॉड्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, उससे ये बात क्लियर हो जाता है कि हमें जल्द ही एमसीयू में एरिस भी दिखने वाला है। और इसके अलावा हमें साकर प्लेनेट की उस टावर में हमें एरिस के सर वाला स्टैचू भी देखने को मिला था। एरिस एक ऐसा कैरेक्टर है जो हल्क जैसे कैरेक्टर को डिफीट करने का ताकत रखता है। एरिस की स्ट्रेंथ, स्टैमिना एंड बैटल आईक्यू सबसे अलग है, और उसे जंग करना इतना पसंद है कि उसे गॉड ऑफ और भी बोला जाता है। अब नंबर 8 पे आता है मिस्टर सिनिस्टर। जो लोगों ने भी एक्समैन 97 वाला एनिमेटेड शो देखा है या फिर कॉमिक पढ़ा है, उन्हें पता होगा मिस्टर सिनिस्टर कौन है। मिस्टर सिनिस्टर एक ऐसा साइंटिस्ट है जो म्यूटेंट जीन्स के पीछे पड़ा होता है, ताकि वो म्यूटेंट्स की पावर्स को खुद के अंदर पोजेस कर सके। एंड इसी के चलते मिस्टर सिनिस्टर के पास बहुत सारा पावर्स है, जैसे कि हीलिंग, क्लोन्स बनाना ईटीसी। कहा जाता है एक्समैन की जो शॉर्ट ट्रिब्यूट एमसीयू में होने वाला है, उसमें मिस्टर सिनिस्टर मेन विलेन होने वाला है। और ये बात मेक सेंस भी करता है, क्योंकि अगर आप एक्समैन को एमसीयू में इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो आपका एक नया विलेन की जरूरत होगा जो म्यूटेंट के लिए खतरा होगा। नंबर 7 पे आता है रेड हल्क। वेल, इस कैरेक्टर को हम पहले ही एमसीयू में देख चुके हैं, मगर इसका अलग पर्सोना एज सेक्रेटरी रॉस। लेकिन कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में जब वो प्रेसिडेंट रॉस बनेगा, तब वो खुद में गामा इंजेक्ट करेगा और बनेगा रेड हल्क, जो आगे चलकर एक टीम तैयार करेगा जिसका नाम होगा थंडरबोल्ट्स। वेल, अगर आपको जानना है कि प्रेसिडेंट रॉस क्यों रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो, क्योंकि मूवी रिलीज होने में अभी भी बहुत देरी है, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में भविष्यवाणी कर दूंगा। एंड हल्क वर्सेस रेड हल्क की वीडियो अगर देखना चाहते हो तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके रख दो, क्योंकि वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो अब अगर बात की जाए नंबर 6 की, तो नंबर 6 पे आता है मैग्नीटो। अब जब कि एमसीयू में म्यूटेंट्स इंट्रोड्यूस होने लगी है, तो इसका काफी चांसेस है कि हमें मैग्नीटो भी एमसीयू में देखने को मिले। हम अब तक बहुत सारे म्यूटेंट्स जैसे कि वुल्वरीन, ज़ेवियर, कैसेंड्रा नोवा, X-23 बहुत सारे म्यूटेंट्स देख चुके हैं, लेकिन हमें अभी भी एक्समैन की वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पर्सन मैग्नीटो को एमसीयू में देखने को नहीं मिला। तो हो सकता है वो हमें एक्समैन रिबूट मूवी में देखने को मिले। तो अब अगर बात की जाए नंबर 5 की, तो नंबर 5 पे आता है मेस्ट्रो। गाइस, अब तक आप लोगों ने ध्यान दिया है या नहीं मुझे नहीं पता, मगर अब तक हमें लगभग सारे सुपर हीरोज की वेरिएंट एक से ज्यादा बार दिख गया है, चाहे वो लाइव एक्शन मूवी या हॉट इफ सीरीज हो। लेकिन हल्क ही एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका वेरिएंट एक से ज्यादा बार नहीं देखने को मिला। एंड मेस्ट्रो इसी हल्क का एक वेरिएंट है, जिसे आप सब हल्क का गॉडफादर भी कह सकते हो, क्योंकि ये हल्क की मोस्ट पावरफुल वेरिएंट्स में से आता है। ये हल्क का एक ऐसा वेरिएंट है जिसके पास हल्क की ताकत एंड ब्रूस की इंटेलिजेंस है। ये काफी सारा आर्टिफैक्ट, इन्फिनिटी स्टोन्स एंड वेपन्स को कलेक्ट करके रखा है, जिससे वो अपने रियलिटी में रूल करता है। ये बुड्ढा हरामी तो है, लेकिन इसके साथ साथ इसके पास पूरा हल्क की एक आर्मी है, जो उसी की तरह ही हरामी है, क्योंकि वो सब हल्क उसका ही खून है। अब अगर बात की जाए मेस्ट्रो का हमें कैसे देखने को मिलेगा, तो इसका दो रीजंस हो सकता है। पहला, जो क्रिस इवांस वाला कैप्टन अमेरिका है, रूमर है क्रिस इवांस वाला कैप्टन अमेरिका फिर से वापस आने वाले है उनके ऊपर बनने वाली सीरीज के लिए, जहां वो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को लौटाने जाएगा। तब शायद मेस्ट्रो कैप्टन के ऊपर हमला करके स्टोन्स को छीनने की कोशिश करे। एंड सेकंड रीजन हो सकता है सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर डूम की चमचमी करे, क्योंकि कॉमिक में मेस्ट्रो डॉक्टर डूम को बैटल वर्ल्ड में हल्क ट्रूप्स दिया था। तो हो सकता है मेस्ट्रो हमें सीक्रेट वॉर्स में दिख जाए, जो ऑब्वियसली इस यूनिवर्स का नहीं होगा, बल्कि किसी और यूनिवर्स का होगा। नंबर 4 पे आता है गैलेक्टस। हाल ही में मार्वल के द्वारा रिवील किया गया फैंटास्टिक 4 मूवी, जो मार्वल की फेज 6 की शुरुआत करेगा, उसमें गैलेक्टस एज मेन विलेन दिखने वाले है। पहले रूमर था डॉक्टर डूम इसका मेन विलेन होगा, मगर फाइनली इसे चेंज कर दिया गया, जिससे मार्वल फैंस बहुत ही खुश है, क्योंकि जो कॉमिक पढ़ता है उन्हें पता है गैलेक्टस किस आतंक का नाम है। तुम नाश्ते में क्या खाते हो? चाय बिस्किट। मगर गैलेक्टस पूरा प्लेनेट को ही खा जाता है, जिसमें उसका मदद करता है उसका हेरल्ड, जो उसी की पावर से बने होते हैं। इसका मतलब उसकी वन ऑफ द फेमस हेरल्ड सिल्वर सर्फर भी देखने को मिलेगा। अब नंबर 3 की बात की जाए, नंबर 3 पे आता है सेंट्री। डीसी की सुपरमैन को देख लो, फिर उसके पावर्स के साथ 10,000 मल्टीप्लाई कर लो, जो रिजल्ट निकल के आएगा वो होगा सेंट्री, जिसके सामने कैप्टन मार्वल तो बस एक बच्ची है, जिसके पास मिलियंस ऑफ एक्सप्लोजन सन्स की पावर है। एंड आपके जानकारी के लिए बता दूं, एक सन की एक्सप्लोजन एनर्जी ऑलमोस्ट बिलियंस ऑफ मेगाटॉन टीएनटी होता है। तो बिलियंस मेगाटॉन के साथ और 10 लाख मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको उसका एनर्जी का पता चल
मिल जाएगा। सेंट्री हमें बहुत ही जल्द 2025 को थिएटर में देखने को मिलेगा थंडरबोल्ट्स मूवी में। लेकिन अगर आप उससे पहले सेंट्री वर्सेस सुपरमैन की वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही जाए। इसके बाद नंबर दो पे आता है नल। जी हाँ दोस्तों, नल भी हमें बहुत ही जल्द एमसीयू में दिखने मिलने वाला है। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, अभी ठीक तरह से वेनम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ तो नल कैसे? तो देखो भाई लोग, नल किसी मूवी में मेन विलेन नहीं बल्कि उसके कैमियो देखने को मिलेगा, क्योंकि हमें पता चला जो वेनम होता है वो मल्टीवर्स में रहने वाले बाकी वेनम से माइंड शेयर कर सकता है। तो सोचो उसका माइंड कौन कंट्रोल करेगा? नल, क्योंकि नल एक मल्टीवर्सल बीइंग है और उसका सिम्बियट पूरा मल्टीवर्स में फैला हुआ है जिसके थ्रू वो मल्टीवर्स में नजर रखता है। तो वेनम द लास्ट डांस के बाद अगर वेनम हमें मेन यूनिवर्स में दिखे तो इसका काफी हद तक चांस है नल भी हमें बहुत ही जल्द दिखने को मिलेगा। मार्वल अगर चाहे तो नल को एज मेन विलेन एक और सगा मतलब सिम्बियोटिक सगा बना सकता है। तो अब तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि नंबर एक पे कौन होने वाला है। जी हाँ गाइस, नंबर एक पे आता है डॉक्टर डूम, जो डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स की मेन विलेन होने वाला है। बहुत ही जल्द हमें उनका झलक देखने को मिलने वाला है जो प्ले करेंगे रॉबर्ट डाउनी जूनियर। तो इसी बात से क्लियर हो जाता है कि ये वाला डॉक्टर डूम कोई आम डूम नहीं बल्कि गॉड डूम होने वाला है, क्योंकि डॉक्टर डूम एज मेन विलेन दो मूवी के लिए कंफर्म हो गया है। एंड मार्वल वाले इतना बेवकूफ नहीं कि वो आरडीजे को $100 मिलियन दे दे सिर्फ एक वीक रोल करने के लिए। तो अब जबकि डॉक्टर डूम फेज 6 की मेन विलेन होने वाला है तो नो डाउट फेज 6 बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं इससे पहले डॉक्टर डूम की ओरिजिन के पीछे लोकी की मास्टरमाइंड के ऊपर वीडियो बनाया था, तो अगर आप लोग वो वीडियो चेक नहीं किए तो जाके जरूर चेक कर लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे या कमेंट सेक्शन पे मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग आयरन मैन वर्सेस डॉक्टर डूम की वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रख दो, क्योंकि वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू सून।